शांति। आज की तारीख है 11/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं इस नशे में रहो। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका वो कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी बाबा कहते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहो। धारणा के लिए मुख्य सार की दो मधुर शिक्षाएं। नंबर एक है, किसी को भी एक राम, त्रेता वाले राम नहीं लेकिन निराकार राम, बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें सुनानी नहीं है। बाबा कहते हैं एक बाबा की बातें सुनाओ, बाकी दूसरी बातें सुनाना नहीं है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, ये धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। नंबर दो है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाशी लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते हैं अंतिम विनाश की लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह और देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार और प्रकृति की हलचल, उसकी आकर्षण भी समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित होकर के शांति की और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दो और दे सकेंगे। स्लोगन है आज का, ज्ञान योग से, ज्ञान और योग से सदा स्वयं को बलवान बना लो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।